लास्ट डे का तो आप लोगों ने देखा था कि मैंने किया था, मतलब मैंने विलेजर्स को लेके आ दी हूँ, उसको मैं इधर फार्मिंग वार्मिंग करने के लिए देती हूँ। तो आज भी मैं करूँगी, बट आज बहुत सारी चोरी करने वाली हूँ, ठीक है ना। पहली बात तो ये है क्योंकि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, तो विलेजर्स की ही मदद चाहिए। और एक चीज़ करने वाली हूँ, आज मैं ब्रीडिंग भी करवाने वाली हूँ विलेजर्स की, ठीक है ना। तो देख देख कैसे ब्रीडिंग होता है, सारी कुछ जानेंगे, सारी कुछ सीखेंगे। उससे पहले हेलो डियर्स गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आरिका आज दोबारा से एक बार फिर से खेल रही हूँ माइनक्राफ्ट। तो पहले मुझे इधर पे जो चाहिए ना, इस विलेजर बाबा जी को इधर पे मुझे स्टक करना है। और ये देखो, पहली बार के लिए ये चोरी मत करना, ठीक है ना। चोरी कर लिया यार, यार कितना बड़ा बुक्का दे रहे तू, इधर पे चोरी कर लिया तूने। रुको यार, पहले इसको इस बोट में बिठा दे दियो, ठीक है ना। चल बैठ जा इधर पे, क्योंकि इधर पे मैं जैसे ही वीट को तोड़ा वैसे ही उसने चोरी कर लिया यार। और इधर पे देखो, खाने के लिए इधर पे शेव्स वगैरह का इधर पे ढेर लग चुका है, मतलब भीड़ लग चुकी है। और इधर पे देखो, मुझे पहली बार के लिए इधर पे वीट मिल रही है, मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ आज यार। मैंने पहली बार के लिए इधर पे फार्मिंग किया है और इधर पे मैंने सारी चीज़ों को बनाया, बट इधर से ये सारे जब तोड़ रही हूँ ना, इससे कुछ उठ नहीं रहे है, बल्कि इधर पे मुझे सीड्स मिल रही है। और इधर पे मुझे इधर पे तीन चार चार जैसे ही देखो देख ही पा रही हो कि इधर पे मुझे मिला है यार। तो मुझे जो लग रही है ना, ये देखो सबसे देखो, ये देखो नॉर्मल येलो, और ये बहुत ज़्यादा इधर पे देखो सूख गया है। तो मुझे समझ आ रही है धीरे धीरे कि कौन सा वाला पौधे से मुझे इधर पे वीट मिल सकती है। जैसे कि ये देखो सूख गया है तो इससे मिला, और लेफ्ट वाले से नहीं मिला, जैसे कि ये इससे भी मिलेगा देखो। ये देखो, तो अभी देखो नॉर्मल वाला जो येलो वाला है ना उससे नहीं मिल रही है, बट जो थोड़ा सा ज़्यादा पक गया है मतलब सूख गया है उससे मिलेगी। ऑलराइट गाइस, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रही है फिलहाल के लिए। और देखो, मुझे इधर से जितने भी सारे मैंने वीट को उठाया ना, उसके बदले मुझे सीड्स भी दिया गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी अगर वीट्स मैंने उठा लिया इनकेस। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को सीड्स नहीं मिलेगा, फिर मैं इधर पर सीड्स को नहीं लगा सकती, तो उधर पर बाद में मैं इधर पर सीड्स भी लगा सकती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। आज तो खुश में इतना ज़्यादा हो रही हो ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और इधर पे रुको, ब्रेड कैसे बनाता है यार, एक सेकेंड यार, मैंने गलती से कुछ गलत हो गया। तो अच्छा, तो ऐसे बनते हैं ब्रेड, है ना। तो मैंने इधर पे देखो तीन ही ब्रेड बना लिया, तो पहली बार के लिए मैंने ब्रेड बनाया इस गेम पे, मुझे पता नहीं था। आज तक तो मैंने गाँव से सिर्फ चोरी किया है ब्रेड वगैरह, बट खुद से नहीं हुआ। बट एक क्रीपर मेरे पीछे पड़ गया यार, रात हो चुकी थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरे को सोने जाना चाहिए था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया था भाई। नो, बट इधर पे मैं बचूंगी कैसे यार। सामने देखो भाई, ये तीरंदाज वाला भी है भाई, मार दिया यार। तो इधर पे ना, मतलब रात होती इतना ज़्यादा भसर मच जाती है ना, तो फिलहाल के लिए मैंने इधर पे थोड़ा सा पीसफुल कर दिया, क्योंकि खतरनाक तरीके से डैमेज कर दिया यार। बाकी ये लोग किधर चला गया यार। चलो बराबर से सारे कुछ मैंने इधर पे ले लिया, अभी इधर से मैं इधर पे आ जाती हूँ गांव पे, ठीक है। क्योंकि गांव से मुझे आज करना है बहुत सारा चूड़ी। उससे पहले मैंने देखा इधर पे बहुत सारा फ्लावर्स जो कि अलग अलग कलर के थे, तो इससे ना हम लोग डाई बना सकते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से चलो इधर से सारे फ्लावर्स वगैरह को उठा लेते। इधर पर मुझे थोड़ा पिंक नहीं, वो क्या बोलते, वायलेट कलर की मिली, और इधर पर रेड कलर भी मिला, येलो मिला, वाइट मिला, फिर पिंक भी मिला, सारे कलर्स मिला। बट मैंने इधर पर जगह ज़्यादा नहीं थी तो ने लिया। तो अभी सबसे बड़ी बात देखो, इधर से मुझे एमरल्ड मिला, ब्रेड मिला, पोटैटो मिला और एप्पल मिला। यार मुझे पता नहीं था इतने सारी चीज़ें मुझे मिल जाएगी, बट इधर पे मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो डार्ट दे के ना मैं इधर से एप्पल को ले लेती हूँ, बाकी मैं इधर पे आ तो जाती हूँ। बट मुझे सामने ये सब क्या दिख रहा है यार, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही थी तो मैंने सोचा इसको चोरी कर लेते हैं। हाँ, तो ये है क्या, एक सेकेंड, हे बेल, अच्छा ये है क्या वैसे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है। बाकी मैं सोचती हूँ सारे इधर पर फटाफट से उठा लेते, ठीक है ना। तो फटाफट से इधर पे जितने भी सारे बेल्स वगैरह हैं सारे को हम उठा लेते हैं, फिर घर जाके हम इसको देखने वाले हैं इससे होता क्या है। तो इधर पे और भी सारे पड़े हुए हैं, और इधर पे मैं गिर चुकी हूँ, और इधर पे एक भाई है मेरे पर गुस्सा है, फिर कुछ भी हो रहा है। मतलब इन लोगों से मैंने चोरी किया तो इसीलिए शायद पहले गुस्सा हो गया था, और बाद में ये मुझे बोल रहा है अगर 20 दूंगी तो ही ये एक एमरल्ड देगा। समझ रहे हो ना कितने ज़्यादा पैसा ले रहा है। फिलहाल के लिए मेरे पास तो इधर पे कुछ भी नहीं है, बाकी इधर पे ये घोड़ा वाला तो आ गया है। और इधर पे देखो, मैंने इधर पे ना लास्ट में मुझे कुछ दिख रही है, अगर इसको मैं लूँगी, ओ शिट, गलती से मेरे से भाई चोर कही क्या, सिर्फ मैंने क्लिक ही किया था, मैंने इधर पे लेने के कोई इरादा नहीं था, बट गलती से एमरल्ड के बजाय मुझे ट्यूब कोरल ब्लॉक मिला है, जो कि क्या है मुझे पता नहीं। बाकी एक चीज़ देखो, इधर पे मुझे गाजर मिला है, ठीक है। तो मैं फटाफट से जितने भी सारे गाजर वगैरह है ना मैं इधर से चोरी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास गाजर का ना सीड्स है ना कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं इधर से सारे गाजर को इधर से चोरी करने वाली हूँ, और जो जो चीज़ें मुझे मिलती जाएगी वैसे वैसे मैं इधर पर चोरी कर लूँगी। जैसे कि मुझे इधर पर राइट पे
स्ट्रॉबेरी आई थिंक है ना, मुझे समझ तो नहीं आ रही है, बाकी इधर पे ये सर ये स्ट्रॉबेरी है लग रही है मेरे को, तो इसको भी हम इधर से चोरी वोरी कर लेते, ठीक है। सारी इधर से मैं चोरी करके लेके जाने वाली हूँ, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बाकी मैं इधर से सारी चोरी तो करने वाली हूँ। सुबह ये लोग जब उठेगा ना तब पता चलेगा कि रात को कोई चोर आया था जिसने सारी कुछ चोरी करके इधर से लेके गया। बाकी इधर में बेल किस बात की है यार, बेल से क्या होता है? ओके ओके, ये बेल बचता भी है, और मुझे जो लग रहा है मैंने शायद कुछ फॉलो किया कि इधर पे सारे लोग जाग गया है घर के अंदर, जैसे कि मैं देख भी पा रही हूँ इधर पे ये सर सारे लोग जागे हुए हैं। हाँ बोला ना, देखो मतलब मेरे को लगा ही था कि ये लोग जाग गया है क्योंकि मैंने उड़ने की एक ये देखा, तो अभी देख लेते इसमें। हाँ यार ये भी देखो जाग गया है, तो आई हैव नो आइडिया कि भाई ये वो क्या रहा है। ठीक है, फिलहाल जिस काम के लिए मैं इधर पे आई हूँ उस काम से मैं बिल्कुल भटकना नहीं चाहती, तो फटाफट से चलो चोरी कर लेते जो काम मैं बिल्कुल अधूरा नहीं रखना चाहती हूँ इस बार। तो अभी इधर पे मैंने सारे जितने भी स्ट्रॉबेरीज वगैरह सारे मैंने इधर पे उठा लिया जितने मुझे मिल सकती है, क्योंकि घर पे जाके मुझे फार्म बनाना है अपना वाला, ठीक है ना। ऑलराइट, काफी सारा इधर पे मैंने स्ट्रॉबेरी वगैरह चोरी कर लिया, और इधर पे देखो इन लोगों ने काऊ वाऊ का भी फार्मिंग वगैरह किया है, तो मुझे भी ऐसे ही बनाना है। बाकी फिलहाल के लिए मैंने देख लिया, आइडिया ले लिया कि ऐसे भी बना सकते हैं ना। तो इधर ही बेड बिछा के मैं आज की रात को इधर ही सोने वाली हूँ, और जैसे ही सुबह उठती है मैं अपना बेड को तो उठा लेती हूँ और चलो सामने की तरफ चलते हैं। मैं जो देख पा रही हूँ गांव वाले सारे इधर भी निकल चुके हैं, अभी चोरी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट रात को भी चोरी करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि ठीक से दिख नहीं रही थी। और सुबह जैसे ही मैं घूमती हूँ ना मुझे देखो इधर पे और एक फार्म दिख जाती है, जहाँ पे था वीट काफ़ी ज़्यादा, जैसे इसके पास आती हूँ गुस्से वाला साइन आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि मैं चोरी कर रही हूँ इन लोगों को पता चल गया है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है मेरे से। बाकी आई थिंक ये वीट है, हाँ ये सर वीट तो है, बट मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा वीट अभी बन रही है, बट इसको मैंने ले लिया। बाकी ये मेरे को देख रहा है भाई, ये चोरी कर रहा है और मेरे को देख रहा है, ठीक है ना। तो अभी जैसे मैं तो निकल पड़ी हूँ, अभी सामने तो इधर मुझे बहुत सारा बेल्स इधर पे मुझे दिखने को मिल जाती है, तो फटाफट से चलो इधर पे जितने भी साड़े हैं साड़े को उधर से करते हैं, कलेक्ट उधर से भाग जाएंगे, ठीक है ना। और भी मुझे सारी चीज़ें चाहिए, बट कौन सा सीट जोर है मेरे को नहीं पता, बाकी फिलहाल के लिए मैंने साड़े देखो इधर पे कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अभी ये लोग नाराज होकर गाँव ना छोड़ दे, मैं तो यही सोच रही इधर पे। इधर पे मुझे स्ट्रॉबेरीज वगैरह बहुत सारा मिला है, कैरेट्स भी बहुत सारा मिला है, और इधर पे व्हीट्स भी मिल चुकी है, और इधर पे देखो और भी सारे कैरेट्स थी, ठीक है। तो मैंने सोचा साड़े उठा दे भाई, जितना मिल रहा है फ्री में क्यों छोड़े। तो देखिए भाई कितना बड़ा गांव है, और इधर भी कितने साड़ी इन लोगों ने उगा के रखा हुआ है, जो कि मैं खराब तो कर रही हूँ, मतलब इधर से साड़ी को चोरी तो कर रही हूँ, बट ये मैं ठीक खड़ी हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो मैंने देखो साड़ी इधर से भी उठा लिया, ठीक है ना। तो चलो फटाफट से उठा दे यार, इधर पे भी उठा लिया, चलो खत्म। और यहाँ पे मैंने जो देखा, ओके 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 ओके, आलू था यार, पोटैटोस था यार, खुश तो मैं काफ़ी ज़्यादा हो रही हूँ कि इधर पे मुझे इतने सारे पोटैटोस मिल गए हैं, इतने ज़्यादा खुश में कभी नहीं था, बट इधर पे गाँव वाले ने मेरे को फिर से एक बार देख लिया। तो अभी देखो फिलहाल के लिए मेरे को पोटैटो का भी सीड्स मिल चुकी है, और इधर पे भी मैंने देखा था, बट मेरे को समझ नहीं आया था, मेरे को लगा था व्हीट का सीड्स है, मतलब व्हीट का पौधा है और इधर पे व्हीट उगा नहीं, इसलिए शायद ऐसा हुआ है, बट नहीं यार ये तो पोटैटो वाला था यार, जो कि मैंने इधर पे ध्यान नहीं दिया था। तो चलो कोई बात नहीं, इधर पे मैंने सारे पोटैटोस को उठा लिया, तो अभी इधर पे और एक लाइन बचा है, तो उसको भी चलो फटाफट से उठा लेते, ठीक है। तो चलो एक सेकेंड दो मेरे को, फटाफट से इसको उठा दे, चलो हो गया, ठीक है। और दो ही पौधा बचा हुआ है, और इधर पे और एक है, इसको भी क्यों छोड़े, इसको भी ले लिया, चलो हो गया। इधर पे गुफा भी है यार, तो अभी देखो इधर पे बहुत सारा पोटैटोस वगैरह हो गया, अभी सीड्स भी काफ़ी सारा हो गया, बहुत सारा स्ट्रॉबेरीज हो गया, तो सारे कुछ लेके मैं घर पे तो आ चुकी हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं जो करने वाली हूँ ना वो है भाई, इधर से देखो ये बेल से ये मिलता है, अच्छा जी, तो बेल से मुझे काफ़ी सारा व्हीट मिलेगी, तो क्या मैं भी बेल को ऐसे करके बांध के रख सकती हूँ, मतलब जो भी था मतलब व्हीट को ऐसे बांध के बेल बना के रख सकती हूँ, वो तो मुझे नहीं पता, बाकी फिलहाल के लिए मुझे काफ़ी सारा व्हीट मिल रही है, तो मुझे इधर से काफ़ी सारा ब्रेड भी मिल जाएगी, जो मैं सोच रही थी कि करोड़ों साल लग जाएगा ब्रेड बनाने के लिए, क्योंकि मुझे आज करना है ब्रीडिंग, ठीक है ना। तो आज देखो सुबह उठते ही मैं जो देख पा रही हूँ इधर पे काफ़ी सारा जॉम्बीज वगैरह आ चुका है, जिन लोगों का झमेला हो गया, अभी थोड़ा सा देर बाद हम इधर से निकलेंगे, ठीक है ना। उन लोगों को पहले मरने देते हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं क्या हाल है बाहर का। चलो यार मर जा जल्दी से, अभी देखो सारे मर चुका है, अभी शायद मैं निकल सकती हूँ, बट नहीं यार इधर पे तो क्रीपर रहेगा, क्रीपर हमेशा की तरह इधर पे बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, तो इस क्रीपर को पहले हटाते हैं, तो चलो हो गया। ओके तो इधर तक तो हो चुकी है, अभी बाहर आते ही मुझे फिर से एक बार लैश मिल गया, सच में तो लैश बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट आई नो, बट मुझे इधर पे फ्री पे ही मिल जाती है, ये जो घोड़े वाला आता है इनसे ही मिल जाती है, ये जब जब मार खाता है ये घोड़े रख के भाग जाता है, तभी मुझे इनसे घोड़े वगैरह सब कुछ मिल जाती है, मतलब लैशेज मिल जाती है। अभी फिलहाल के लिए मैंने सोचा है अभी मैं एक म्यूजियम वगैरह भी बनाऊंगी, ठीक है ना, उसके लिए मेरे को बहुत सारे
म्यूजियम नहीं, एक्चुअली जू बनाऊंगी, जिसके लिए मुझे घोड़े वगैरह भी चाहिए। तो भाई तुम्हारा घोड़ा नहीं है, ठीक है ना, ये मेरा ही घोड़ा है। ऐसे मत देखो, तुम्हारा घोड़ा कहीं भाग गया है। तो इसको मैं इधर पे लाके, इधर पे ऐसे करके मैं इसको घेर दूंगी, तो फिर ये इधर पे अटक जाएगा, फिर जाके ये बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। इधर पे मैंने कर दिया, अभी और एक इधर पे मुझे स्लैब देना पड़ेगा, नहीं तो बाहर निकल जाएगा। ये तो कूद सकता है। ए, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, भाई भाई भाई, ये कूदना मतलब स्टार्ट किया ही था, तभी मैंने इधर पे इसको रोक दिया। अभी फिलहाल के लिए मैं बाहर तो आ चुकी, और ये देख ही पा रहे हो ये मेरे को कैसे देख रहा है। इसका मालिक बाहर ही है, बट मैंने इसको अभी इधर पे मेरे जगह पे कैद कर लिया, ठीक है ना। अभी मैं क्या सोच रही हूँ, नया नया टाइप्स का जितना भी घोड़ा वगैरह है ना, सबको मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि जू बनाऊंगी तो कुछ तो दिखने लायक कुछ तो रहे, अलग अलग टाइप्स के घोड़े वगैरह रहे, सारी चीजों को लेके मैं बनाने वाली हूँ। तभी फिलहाल के लिए मैंने इसको भी लेके आ गया, आ जा बाबू जल्दी आ जा बबुआ। तो अभी इसको भी लेके आ चुकी, अभी इसको बंद कर देते हैं। इसको भी सेम वे से मैंने इधर पे चारों ओर से घेर के इसको भी मैंने इधर पे स्टक कर दिया, ठीक है ना। अभी देखो इधर पे मुझे काला घोड़ा मिल चुकी है, इसको भी लेके चलते हैं, चलो फटाफट से। आ जा भाई आ जा, चल। अरे भाई तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारा घोड़ा तोड़ ही ले रहे हैं हम, तुम मेरे को क्यों देख रहे हो ऐसे। ये सोच रहा है कि इसका घोड़ा वगैरह शायद मैं इधर पे चोरी करने वाली हूँ, बट नहीं यार, आपका घोड़ा मैं नहीं ले रही हूँ, मैं तो किसी और का ले रही हूँ, आपका कुछ नहीं ले रही हूँ मैं। तो फिलहाल के लिए मैं देखो इधर पे तीन तीन एनिमल मैंने इधर पे कैद कर लिया, ठीक है ना। इसको भी बिल्कुल सेम वैसे मैं इधर पे, सॉरी 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 सॉरी, तो अभी इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था कि मैं इसको ना इसको अटक नहीं पाती हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, उधर पे क्रीपर वगैरह भी आने लग गया था। तो मैंने सोचा भाई इसको रहने देते अभी फिलहाल के लिए, और मैं चलती हूँ सोने के लिए, सुबह ही इसको हम कैद करेंगे, ठीक है। जैसे सुबह होती है मैं देखती हूँ बाहर चला गया, कैसे बाहर चला गया मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आई थिंक इधर से कूद के गया होगा, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, अभी बाहर तो आ चुकी हो, बट इधर पे क्रीपर तुम नाच क्यों रहे हो, चल निकल इधर से। टाइम लग जाता है यार मारने के लिए बहुत ज्यादा, मुझे को अच्छा अच्छा वाला शॉर्ट वगैरह बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अभी फिलहाल के लिए फिर से एक बार लेके तो आ चुकी, बट इधर पे और एक क्रीपर है, तो इसको भी हटाते हैं, चल इधर से निकल। तो अभी इधर पे इसको भी हटा दिया, अभी इसको लेके ना हम इधर से घुस जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो फाइनली इसको लेके मैं घुस हो चुकी है, अभी इसको बस हमको इधर पे जस्ट इधर पे स्टक कर देना, ठीक है। तो फाइनली देखो इस वाले घोड़े को भी मैंने इधर पे स्टक कर दिया, अभी इसको इधर पे रहने देते हैं, ठीक है। तीन तीन घोड़ा मैंने लेके आ चुकी हूँ अभी। अभी देखो रात को मैं इस वाले विलेजर को लेके आ ही रही थी घर पे, कि इसको हम लेके ब्रीडिंग कराएंगे, बट ब्रीडिंग कराने देता ना भाई, इधर पे इतना ज्यादा ज़ॉम्बीज वगैरह है, रात को कोई काम करो तो होगा ही नहीं यार, इतना ब्रीडिंग करो या फिर कुछ भी काम करो भाई, कुछ भी मतलब नहीं होता। तो इधर पे अंदर और एक विलेजर है, होए हेलो हेलो हेलो, ये क्या हुआ भाई, शिट मैन, इतना बड़ा गलती भाई। इधर पे मैंने एक ही जगह खुला रखा था कि मैं आके उधर पे दो खोल दूंगी, बट इधर पे देखो मेरा जो विलेजर था उसको इस वाले जो मैंने खा गया भाई, मजाक चल रहा है क्या इधर पे गेम पे यार। देखो मैं इधर पे जैसे ही इसको लाती हूँ, देखो यू बैठे बैठे उसको मार रहा, चल निकल इधर से भाई, निकल इधर से, तू मर क्यों नहीं रहा, चलो मर गया भाई, कितना ज्यादा खतरनाक है, सोचो एक बार। मतलब इधर से छुटका सा एक जस्ट विंडो जैसा मैंने खुला रखा था, उधर से घुस के उसने विलेजर को मार दिया भाई, मेरे को मार दे यार, इस गेम पे क्या मजाक चल रहा है यार, ज़ॉम्बीज वगैरह का अलग ही नशा चल रहा है, और ऊपर से ओए ओए शिट शिट शिट, ये कब आ गया यार, आके बैठ गया इसके पीछे भाई भाई, ये गलत हो गया यार, यार रुक जा यार रुक जा, नो वे यार, क्यों मेरे साथ ही क्यों यार। तो अभी देखो इधर पे मैं तो फिर से एक बार आ चुकी हूँ, मेरे को नहीं लग रहा है कि इधर पे कुछ भी आसान होने वाला है, क्योंकि अभी देखो फिलहाल के लिए देखो फिर से एक बार क्रीपर आ गया, बट स्केलेटन किधर गया पता नहीं, वो पता नहीं कुछ तो हुआ होगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा गया कि इधर वो स्केलेटन इधर तो बैठा था यार, कौन सा क्लिप से मैं मारा ठीक है, बट वो भी कैसे मर गया मेरे को समझ नहीं आ रही। बाकी इधर पे मैं तो फिर से एक बार आ चुकी हूँ, और मैं जो देख पा रही हूँ इधर पे देखो सारे घोड़े वगैरह सारे सही सलामत थे, बाकी क्रीपर मेरे पीछे पड़ चुका है, कहीं पे भी जा रही हूँ भाई, क्रीपर कहीं से भी आ जा रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो इधर पे जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि क्रीपर वगैरह ना चल पाए सही से, बट मेरे को नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। बाकी इधर पे मैं इसको लेके आती हूँ, ठीक है ना, आ जा भाई जल्दी से चल। तो अभी देखो इधर से जाके वो मतलब कहाँ जाऊँ यार, जिधर जा रही हूँ उधर ही क्रीपर से लेके इतना ज़ॉम्बीज वगैरह आ रही है ना, खेलना बहुत टफ हो जा रही है सीरियसली, रात को मतलब सो जाना ही सबसे बेस्ट होता है। तो अभी देखो सुबह जैसे ही होती है मैं देखती हूँ भाई इधर पे फिर से एक बार, देखो ये सारे लोग इधर पे जल रहे हैं, बट क्रीपर नहीं जलता है। बाकी उधर पे वो जो भाई बोमाबाजी करता है वो क्या है भाई, क्या नाम है उसका याद नहीं आ रही है। तो अभी चलो उसको तो हटाते हैं, बाकी पहले इसको हटाते हैं, और यह सब मारना भी ज़रूरी है, इससे बहुत सारी चीज़ें मिलते रहती है, तो इस कारण इन लोगों को मारना बहुत ज़रूरी हो जाती है। बाकी मेरे पास शॉर्ट खत्म हो चुकी है भाई, हाथ से ही मारना पड़ा। तो अभी चलो इधर पे मार तो दिया, अभी देखो ये आ रहा है, ये अभी फूटेगा, बट मेरे को ना सीखना है, ठीक है ना, इसके सामने पत्थर रखने से उसके ऊपर ही फूट जाएगा ना। रुक जा यार रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, नो भाई
मेरे से नहीं होगा यार, मैं बहुत ही गंदा खेल रही हूँ, बहुत ही वहियात खेल रही हूँ, मेरे को लग रही है अभी तो फिलहाल के लिए। तो अभी तो इधर से बहुत सारे चीज़ों को कर दिया। अभी मैं सोच रही हूँ इधर पे मैंने मेरा देखो इधर पे 2 स्लैब का वॉल था, तो मैं सोच रही हूँ इधर पे 3 स्लैब का कर लेंगे। उससे पहले देखो आर्मर बना लिया मैंने आयरन से, और इधर पे अपना सर का जो ये हेलमेट है वो भी बना लिया। अभी इधर पे पैर का भी बनाना है और इधर पे जूता भी बनाना है, ठीक है? तो 2 चीज़ें चाहिए, तो उसके पैर का बना लिया बट अभी तक जूता नहीं बना। आई थिंक अभी शील्ड भी मिलता है तो वो कैसे बनता है वो भी नहीं पता मुझे। फिलहाल के लिए मैं और एक सुंदर सी एक घोड़ा लेके आ चुकी हूँ जो कि बहुत सुंदर कलर है, और इधर पे बनी फिर से एक बार ज्वाइन कर चुकी है मेरे साथ, और ये आके ही फार्मिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देता है, तो वो फार्म का काम वगैरह करता रहे वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी मैंने उसको फार्मिंग के लिए फिलहाल के लिए रखा हुआ है कि तुम फार्मिंग वगैरह करो, वीट वगैरह कलेक्ट करो, क्योंकि बहुत सारा ब्रेड वगैरह चाहिए, क्योंकि ब्रेड नहीं होगा तो मैं खाना कैसे दूंगी विलेजर को, और विलेजर अगर खाना नहीं खाएगा तो वो लोग ब्रीड भी नहीं करेगा। सो एज यू गैस कैन सी कि मैं फिर से एक बार और विलेजर लेके आ चुकी हूँ बनी के साथ, जाके गाँव से और एक विलेजर को चोरी करके लेके आ चुकी हूँ, क्योंकि ऐसा है कि मेरे पास तो एक विलेजर ने मतलब एक विलेजर को तो खा जाता है जॉम्बिस, और इधर पे मैंने 2 विलेजर्स को चलो लेके आया बट गलती से ओफ गॉड एक ही लगा उससे मर गया यार, कैसे हो सकता है शिट। तो फिर से एक बार दोनों जाके फिर से और एक विलेजर को हम लोग लेके आते हैं इधर पे, तो देखी बार वो फिर से आए और वो वाला विलेजर को बाहर ले गए हम रख दिए, और मुझे ना एग्जैक्टली नहीं पता वो वाला विलेजर काम क्या करता है। तो चलो अभी बस इधर पे लास्ट इसको ही अटकना है, तो ये तो सब तो हो चुकी है। अभी मैंने इसके सामने ना कंपोस्टर को रखा बट ये कोई काम को छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। ये फार्मर वाला जो हैट है नहीं है जा ही नहीं रहा था, इसका तो चला गया बट ये दूसरे वाले को जा नहीं रहा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि अगर फार्मर वाला हैट रहे तो क्या हम इधर पे ब्रीडिंग करवा सकते। तो लेट्स सी कि मुझे तो अभी तक नहीं पता। बाकी मैंने इधर पे फिलहाल के लिए 3-3 ब्रेड दे दिया इन लोगों को, ठीक है? अभी तक मेरे पास 47 ब्रेड है, ठीक है? तो मैं पहले देने वाली हूँ इधर पे 4 ब्रेड दे देती हूँ पहले, ठीक है? और देखते होता है कि नहीं, ठीक है? तो मैंने 4 ब्रेड इधर पे दे दिया। अभी ये लोगों का कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं देखने को मिली, तो मैंने सोचा और इधर पे कुछ ब्रेड में दे देती हूँ, तो 3 ब्रेड और मैंने इधर पे दे दिया। जैसे ही देती हूँ वाइसा मैं देख रही हूँ इन लोगों ने अपना ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया, इन लोगों का लव लव स्टार्ट हो चुका है। बनी उधर से झाँक के देख रहा है भाई हो क्या रहा है अंदर। तो अभी फिलहाल के लिए इधर पे इन लोगों का लव लव तो स्टार्ट हो गया और हमको एक बेबी भी मिल चुकी है। ओह माय गॉड यार कितना प्यारा है, कितना सही लग रही है। अभी देखो एक सेकंड भाई हेलो कैसे हो, और ये देख रहा है देखो कैसे। अभी देखो इधर पे मैं घूम ही रही थी और इधर पे मैंने सोचा कि इसके लिए भी एक बेड बना देते हैं क्योंकि इसको भी तो सोना है ना। तो इधर पे मैं बाहर में देख ही रही थी तभी देख दियो भाई फिर से एक बार हेलो लव लव स्टार्ट हो गया। इधर पे देखी पा रहे हो 40 इधर में मेरे पास ब्रेड था, तो 40 ब्रेड ही है मेरे पास बट मैंने कुछ नहीं दिया। बट सेकंड टाइम के लिए ये लोग लव लव स्टार्ट करते, तो ब्रेड इधर पे मेरे को खर्चा ज़्यादा नहीं करना पड़ा बट सेकंड टाइम के लिए ये लोग ब्रीडिंग कर दिया। और इधर पे मेरे को दूसरा वाला बेबी भी मिल चुकी है यार, क्या ही सही है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रही है मेरे को। अभी सेकंड टाइम के लिए तो बेबी मिल चुकी है, अभी इन लोगों के लिए बेड भी तो देना पड़ेगा क्योंकि अभी देखो ये लोग 4 बंदे हो गए, तो 4 जन के सोने के लिए 4-4 बेड तो चाहिए है ना। तो मेरे को जाना पड़ेगा बाहर पे, और मैं इधर पे बाहर आके भाई ये क्या हो रहा है फिर से ये लोग ब्रीडिंग करने के लिए, भाई मेरे को कुछ अजीब लग रहा है, मैं भाई मतलब पागल हो जाऊंगी। मेरे को लगा था बहुत सारा खाना देना पड़ेगा फिर ही जाके ये लोग ब्रीडिंग वगैरह करेंगे बट नहीं यार ये लोग तो ब्रीडिंग में ब्रीडिंग करते जा रहे, और ये बच्चा देखो भागने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। तो अरे यार बाहर से लगा दो यार नहीं तो ये भाग जाएगा, और ये लोग क्या देख रहा है मेरे तरफ पता नहीं यार, जैसे कि मैंने कुछ गलत कर दिया इन लोगों के साथ। तो अभी देखो इन लोगों के लिए ब्रेड वगैरह चाहिए, ठीक है ना? तो इसी तरीके से देखो इतने सारे बच्चे बन गए, वो भी सोच पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ मैंने इधर पर 7 ब्रेड सॉरी ब्रेड को इधर पे मैंने खर्चा किया और उसमें इतने सारे बच्चे बन गए यार, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अभी इन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक काफ़ी बड़ा एक विलेज में बना दूंगी, आई मीन बहुत बड़ा एक हॉल रूम वगैरह वगैरह बना दूंगी। बाकी ये लोग सो गया बट ये तो बच्चे तो अभी भी भाई लावारिस की तरह घूम रहे हैं, बट मम्मी पापा इधर पर सो गए यार, क्या ही कोई इज्जत ही नहीं है। तो फिलहाल के लिए आज मैं इतना ही रखती हूँ, और कल मैं इन लोगों के लिए अच्छा खासा एक हॉल रूम बनाऊंगी, आई मीन नेक्स्ट डे को इसको जब आगे बढ़ाएंगे इस गेम को, और भी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करेंगे बट आज नहीं। आज फिर मैं चलती हूँ, होप यू गाइस रियल एंजॉय माई वीडियो। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नया आया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए सी गेम प्ले की वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टाटा टेक केयर।